मार्वल मूवीज की तीन हिडन डिटेल्स जिनके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। पार्ट 20। नंबर 3। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग के मेन विलेन यानी वल्चर का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल कीटन पहले बैटमैन का रोल भी प्ले करते थे और उनका एक बैट सिग्नल था और उन्होंने कुछ ऐसा ही सिग्नल फार फ्रॉम होम में वल्चर के कैरेक्टर में भी किया था। नंबर 2। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब वांडा बाकी इल्यूमिनाटीज को मारने के बाद कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल से लड़ रही होती है तब वो कैप्टन कार्टर का शील्ड पकड़कर उसी को मार देती है। अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे तो उसकी ऊपरी बॉडी पहले गिर रही है और नीचे बाद में, जिससे कि हमें पता लगता है कि वांडा ने कैप्टन कार्टर को 20 से काट दिया था। नंबर 1। जब पीटर एमआईटी असिस्टेंट लेडी को खोज लेता है तब उनके कार के नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है 63 ASM 3। तो ASM का मतलब है अमेजिंग स्पाइडरमैन और ये -3 का मतलब है नंबर 3, यानी अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 3। और ये कॉमिक बुक 1963 में रिलीज हुई थी जिसमें कि हमें सबसे पहली बार डॉक्टर ऑक्टोपस को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी सीन को कुछ देर बाद ही मूवी में भी डॉक्टर ऑक्टोपस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब आपको मालूम है।